नमस्कार। इंग्लैंड से एक रिक्वेस्ट बार बार बीसीसीआई को भारत आ रही है, लेकिन इसके बाद भी बीसीसीआई उस गुजारिश को क्यों अनसुना कर जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे एक पल को कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात हो सकती है कि विराट कोहली और टीम के बाकी मेंबर कोई गुजारिश कर रहे हों बीसीसीआई से, और बीसीसीआई कान में तेल डालकर जैसे सो गया है और टीम मैनेजमेंट को भी इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है। आखिर ये क्या हो रहा है? आपको बताया कि ऋषभ पंत कोरोना पॉजिटिव है, वो इस वक्त आइसोलेशन में, 18 जुलाई को उनका आइसोलेशन खत्म होगा। ऋषभ पंत के अलावा रिद्धिमान साहा को भी आइसोलेट कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ देखिए, तीन और लोग हैं जिन्हें आइसोलेशन में भेजा गया है। वो तीन लोग कौन है? हमने आपको कल ही बताया था कि दयानंद गरानी जो हैं वो भी कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है। साथ रिद्धिमान साहा जो कि ऋषभ पंत के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, हालांकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्हें एहतियातन आइसोलेट किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन जो कि गेंदबाजी करते हैं और इसके साथ साथ गेंदबाजी के जो कोच हैं भारत अरुण, उनके भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर आ रही है, उन्हें भी आइसोलेशन में डाल दिया गया है। ऐसे में इंग्लैंड में मौजूद टीम इंडिया ने बीसीसीआई से गुजारिश की है। गुजारिश ये की है कि नए प्लेयर्स को आप इंग्लैंड भेजिए, जो दूसरे प्लेयर्स हैं उन्हें आप इंग्लैंड भेजिए। और कहा, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारतीय टीम से जुड़ने के लिए किसी भी अतिरिक्त प्लेयर को इंग्लैंड नहीं भेजना चाहता है बीसीसीआई। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। सबसे बड़ी बात ये कि जब आपको पता है कि आपकी टीम के चार लोग पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें तीन प्लेयर हैं जिसमें ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम शामिल है, वो पॉजिटिव हो गए हैं, इसके बाद भी आप स्टैंड बाई प्लेयर क्यों नहीं भेज रहे? हालांकि 23 लोगों की का दल ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद है, तो शायद बीसीसीआई को ऐसा लगता था या ऐसा लग रहा होगा कि ये टीम संभाल लेगी। लेकिन एक एक कर आप देखिए, कल तक तो हमें यही खबर मिली कि ऋषभ पंत पॉजिटिव हैं, और आज दोपहर तक ये खबर आ गई कि ऋषभ पंत के साथ साथ अभिमन्यु ईश्वरन, जो बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और पता नहीं टीम में अभी कितने मेंबर्स के बारे में जानकारी छिपाई जा रही है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन इसके बाद भी बीसीसीआई आखिर क्यों अनसुना कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि बीसीसीआई जो इंग्लैंड से बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उस पर अमल करेगा और कुछ ना कुछ एक्शन भी लेगा। एक्शन क्यों लेना ज़रूरी है प्लेयर्स के खिलाफ? क्योंकि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बीसीसीआई की आज़ादी का उन्होंने एक तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आप रोहित शर्मा को देखिए, वो अपने परिवार के साथ मौजूद थे। विराट कोहली अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में मौजूद हैं। कई प्लेयर्स तो ऐसे थे जिन्हें विंबलडन के दौरान इंग्लैंड में बिना मास्क के देखा गया। फुटबॉल में जब यूरो कप खेला जा रहा था तब वहां उन्हें बिना मास्क के देखा गया। तो इन प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी बनती थी कि ये प्लेयर्स कोविड के तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कहीं भी जाएं। कहीं भी ये घूम रहे थे लेकिन बिना मास्क के घूम रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल। इनकी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे। अब देखिए, ऋषभ पंत कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ऋषभ पंत ने कुछ दिनों पहले 30 जून को एक तस्वीर डाली थी जिसमें वो यूरो कप का एक मुकाबला देख रहे थे। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर पोस्ट भी किया था, गुड एक्सपीरियंस वॉचिंग फुटबॉल मैच का। उन्होंने बाकायदा एक दो तस्वीरें उन्होंने डाली हैं। कुछ लोग उनके साथ बैठे हुए, उनके दाहिनी तरफ, उनके बाएं तरफ लोग बैठे हुए हैं, भीड़ में वो मौजूद हैं और बिना मास्क के हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने लापरवाही बरती और इसका खामियाजा वो चुका रहे हैं। एक तस्वीर और सामने आई है जो रवि शास्त्री की तस्वीर है। आप रवि शास्त्री की ये तस्वीर देखिए, 11 जुलाई 2021 की है। विंबलडन के दौरान रवि शास्त्री 11 जुलाई 2021 को विंबलडन देखने गए और उन्होंने उसकी तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। इस तस्वीर में उनके चेहरे से भी मास्क गायब है, जबकि वो तो कोच हैं, सभी प्लेयर्स से उन्हें मिलना होता है। मतलब कितनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और इसी वजह से टीम इंडिया के कई प्लेयर्स जो हैं पॉजिटिव हो गए और शायद बीसीसीआई भी जानबूझकर उन्हें सज़ा देने के लिए उनकी गुजारिश को खारिज कर रहा है या एक तरीके से अनसुना कर रहा है।